कि हम इतने परेशान हालात में हैं और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। खुदा के लिए कोई हमारी मदद करे, हम बहुत परेशान हैं। हम दो बहनें हैं और मेरे बाबा हैं और वालदा। मेरी वालदा की वफ़ात हो गई थी जब हम छोटे से थे। फिर जो हमारा घर से लॉस में से जो हमारा हमें हिस्सा मिला था उसका हमने जगह ली थी। जो बैंक वाले थे वो उनकी जगह थी, तो वो नहीं पता था। नहीं, हमें नहीं पता था, हमारे साथ फ्रॉड हो गया था। अच्छा। तो वो बैंक वाले आए, उन्होंने वो जगह जो उनसी थी वो गिरा दी थी। यानी आपके वालिद साहब मजदूर हैं? जी, मेरे वालिद साहब मजदूर हैं। मेरे जो वालिद साहब है ना, वो बस स्टैंड के पे बैठते हैं, वहाँ पे मास्क वगैरह बेचते हैं। कोई होते हैं जो मास्क खरीद लेते हैं और कोई है वो वैसे ही पैसे दे जाते हैं। इतना हो जाता है कि आप खाना पीना कर सकते? बहुत मुश्किल से एक वक्त का हम खाना खाते हैं बस। ये जिस घर में ये रहते थे, जो इनका आशियाना था एक कमरे का, वो किस तरह टूटा, किस तरह गिरा? लोगों के घरों से चादरें और लोगों के घरों से बिस्तर की भीख मांग रही थी। लोग रोटी की भीख मांगते हैं, लेकिन ये अपने आप को कवर करने के लिए बिस्तर की भीख मांगते थे। बस जब मेरे बाबा को कुछ सामान मिल जाए या हमें कोई मतलब मदद मिल जाए तो मेरे बाबा मुझे रुख्सत कर देंगे। कोई दो कपड़े या बर्तन वगैरह मिल जाए तब मेरे बाबा मुझे रुख्सत कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मेरे दोनों साइड पर लड़कियाँ मौजूद हैं और इनकी कहानी, पहले मैं खुद कुछ नहीं बताऊंगी, जो कहानी ये खुद बताएंगी उसमें सच्चाई भी होगी, हकीकत भी होगी और वो दर्द नज़र आएगा, क्योंकि मैंने तो इनकी सुनी हुई आप तक पहुंचानी है, लेकिन ये खुद जो आपको बताएंगी शायद उसका असर आप तक ज़्यादा हो। आप सुनते हैं इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सानिया। सानिया क्या उम्र है? 19 साल। 19 साल। ये जो है आपकी बहन है? जी, मेरी बहन है। कितने बहन भाई हो आप? हम दो बहनें हैं और मेरे बाबा हैं और वालदा। मेरी वालदा की वफ़ात हो गई थी जब हम छोटे से थे तभी। अच्छा जी, तो फिर किस तरह वालिद साहब ने आपको पाला? जी, वालिद साहब ने पाला था। तो जो हमारे घर था वो अपना था पहले, लेकिन वो किस तरह क्या करते थे आपके वालिद साहब? मेरे वालिद मजदूरी करते थे, वो ये बाले वगैरह छतों के उनकी मजदूरी करते थे। अच्छा जी, तो फिर सही सिस्टम आपका चलता था? बस सही चलता था, मेरी वालदा थी तो उनकी वजह से सही चलता था, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत मेरे बाबा की हेल्प कर देती थी। लेकिन जब उनकी वफ़ात हुई, हमारा घर सेल हुआ, फिर जो हमारा घर सेल हुआ उसमें से जो हमारा हमें हिस्सा मिला था उसका हमने जगह ली थी। उस जगह पर फिर हमने एक छोटा सा कमरा डाल लिया था। तो जब ये सर्दियाँ स्टार्ट हुई, वो हमारा कमरा जो उनसा था, जो बैंक वाले थे वो उनकी जगह थी। तो वो नहीं पता था? नहीं, हमें नहीं पता था, हमारे साथ फ्रॉड हो गया था। तो वो बैंक वाले आए, उन्होंने वो जगह जो उनसी थी वो गिरा दी। अच्छा, तो जब फिर जगह गिरी है तो उस वक्त फिर आपके बाबा कहाँ थे, आपके क्या थे? लोग नहीं आए? लोगों ने नहीं आपकी खैर खबर ली? नहीं, लोग आते थे, वो पूछते थे कि कैसे गिरा, क्यों गिरा, कब गिरा। वो ऐसे कहते, वो ये नहीं कहते थे कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं, हमारे घर चलो या हम आपको बिस्तरे देते हैं, नहीं कुछ भी नहीं करते। मैं और मेरी बहन हम एक दो घरों में गए, हमने उनसे कहा कि बहुत सर्दी है, आप लोग तो हीटर चला के बैठते हो अपने घरों में, बिस्तरों में बैठते हो, तो आप हमें कोई चादर वगैरह दे दो ताकि हम अपने आप को कवर कर सकें, हम ठंड से बच जाएँ। तो मेरे बाबा जब उनके टांग पे बाला गिरा ना, तो उनकी टांग जाया हो गई थी। यानी आपके वालिद साहब मजदूर हैं? जी, मेरे वालिद साहब मजदूर हैं। यानी चल फिर नहीं सकते? नहीं, चल फिर नहीं सकते। किस तरह फिर गुजर बसर किस तरह करते, खाना पीना किस तरह? मेरे जो वालिद साहब है ना, वो बस स्टैंड के पे बैठते हैं, वहाँ पे मास्क वगैरह बेचते हैं। कोई होते हैं जो मास्क खरीद लेते हैं और कोई है वो वैसे ही पैसे दे जाते हैं तर्स खा के। तो यानी मांगने के लिए नहीं जाते वो? नहीं, मेरे बाबा बहुत खुददार हैं, उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तो अब वो जब मास्क वगैरह तो नहीं, चल फिर नहीं सकते होंगे, बस वो बैठ के ही बेचते होंगे? जी, वो बैठ के ही बेचते। इतना हो जाता है कि आप खाना पीना कर सको? बहुत मुश्किल से एक वक्त का हम खाना खाते हैं बस। अच्छा, तो ये अब नाज़रीन, पहले मैं क्या, जो हमने वीडियो जाके कैप्चर की है, ये जिस घर में ये रहते थे, जो इनका आशियाना था एक कमरे का, वो किस तरह टूटा, किस तरह गिरा, इस वीडियो में आप उस बिल्डिंग को भी देखिएगा, क्योंकि हम वो कैप्चर करके आए हैं, उसके बाद फिर हम इनके पास आए हैं। यहाँ पे ये रहती थी और इर्द गिर्द जो है फसलें थी और यहाँ पर ऐसा माहौल था
कि सर्दी में ये किस तरह ठठरती हुई रातों में लोगों के घरों से चादरें और लोगों के घरों से बिस्तर की भीख मांग रही थी। लोग रोटी की भीख मांगते हैं, लेकिन ये अपने आप को कवर करने के लिए बिस्तर की भीख मांगते थे। लोग इनकी मजबूरी का, लोग इनकी परेशानी का तमाशा ये बना रहे थे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, अल्लाह भला करे। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि ऐ बंदे, तू तो जवान बेटियाँ लेके फिर रहा है, तेरी जवान बेटियाँ हैं, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी भी बेटियाँ हैं, तो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आ जाओ या अपनी बेटियों को हमारे घर ले आओ। अब ये एक कमरा है जिस पे प्लास्टर हुआ हुआ है, यहाँ पर एक चारपाई है, यहाँ पे ये रह रही हैं। अब ये किसका, ये भी पूछते हैं, ये यहाँ पर आप रह रही हैं, प्लास्टर वाला घर है, कमरा है, चारपाई पे आप हैं, इसी एक चारपाई पे गुजर बसर करती है, क्या ये किसका घर है, कमरा है? जी, इसी एक चारपाई पे गुजर बसर करते हैं। ये बस हमारे मोहल्ले में एक भाई थे, उन्होंने हमें कहा कि मेरे बाबा पे तर्स खाया, उन्होंने कहा कि चलो आप हमारे साथ चलो, हम आपको एक कमरा देते हैं। लेकिन हम जब यहाँ पे आए ना, हमें आए हुए 2 दिन हुए थे, इससे भी आग लग गई, तो उन्होंने कमरे में भी आग लगी जी। इसलिए ये छत जो है, मैं दिखाना चाहूँगी कैमरा मैन को कि ये देखे, ये फूल जो है, ये जली हुई काली स्याह छत है और प्लस्तर हुआ हुआ है, कहीं ईंटें निकली हुई हैं, यानी कि एक घर जो कि कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ होता है और उसका सबसे ऊपर वाला एरिया जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, जो कंस्ट्रक्शन करते करते किसी वजह से छोड़ दिया जाता है, खुदा तरसी के बेस पर उन्होंने ये कमरा इनको दिया। तो अभी वो खुदा तरसी कर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। जी, उन्होंने कहा है कि आप मनहूस हैं, आप जहाँ पे पहले रहती थी वो भी आपकी वजह से गिर गया, आप अपने बाप पे भी मनहूस हैं, आप बेटियाँ मनहूस हैं, आप यहाँ से भी ये घर खाली कर दे। तो अब क्या, फिर आप यहाँ से भी वो आपको भेजने का कह रहे हैं, वो भी घर टूट गया, बाबा आपके या वाले साहब माजूर हैं, 2 बहनें हैं, ये क्या करती, ये भी आपके साथ होती? जी, ये भी मेरे साथ होती। तो आप क्या सोचा है, फिर आप क्या चाहती हैं, आप कैमरे पर आई हैं, मीडिया पर आई हैं, क्या चाहती हैं? मेरे बाबा ने ना किसी को कहा था कि मैंने अपनी बेटी, बड़ी बेटी की ना शादी करनी है, तो मेरे बाबा को उन्होंने रिश्ता दिखाया तो उनको पसंद आ गए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं शादी करूंगी, एक शर्त पे, मैं अपने बाबा और अपनी बहन को साथ लेके आऊंगी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी तय हो गई। जी, मेरी शादी तय हो गई। कब होगी, रुखसती कब होगी? रुखसती गरीबों की रुखसती थोड़ी होती है, ना उनकी मेहंदी होती है, ना उनका वलीमा होता है, बस जब मेरे बाबा को कुछ सामान मिल जाए या हमें कोई मतलब मदद मिल जाए तो मेरे बाबा मुझे रुखसत कर देंगे, कोई 2 कपड़े या बर्तन वगैरह मिल जाए तब मेरे बाबा मुझे रुखसत कर देंगे। तो ये क्यों चाह रही हो, अगले जहाँ शादी है उनको नहीं पता कि आप गरीब हो, आप के पास कुछ नहीं है? उनको पता है, लेकिन देखे आजकल तो सगे खाला चाचे की तरफ शादी हो, वो भी कहते हैं कि हमें जहेज चाहिए, ये तो फिर गैर है। तो बाद में मैं अपने बाबा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती और ना ही कोई ताना सुनना चाहती हूँ कि ये कुछ नहीं लेके आई। क्या पैगाम देना चाहूँगी? बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि मेरे बाप ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, तो बस इतनी अपील है कि हमारी इतनी हेल्प कर दे कि मेरे बाप मुझे रुखसत कर सके। तुम क्यों रो रही हो? मैं अपनी बहन को और अपने बाबा को परेशान देख कर इस वजह से कि हम इतने परेशान हालात में हैं और कोई हमारी मदद नहीं करा, खुदा के लिए कोई हमारी मदद करे, हम बहुत परेशान हैं। सर्दियों में जिस तरह वक्त गुजारा वो गुजर गया, वो अल्लाह ने वक्त गुजार दिया तो ये भी गुजार दे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इन बहनों पे तरस खाएं, इन बहन जो इस लड़की ने बताया है कि वो अपने बाप के साथ, पता नहीं अगर तो ये बेटा होती तो मैं समझती हूँ कि इसने बाप के लिए बहुत कुछ कर गुजरना था, लेकिन बेटियों के कुछ लिमिट्स होती हैं और उन लिमिट्स का ख्याल रखते हुए इसने और घर जाने, लेकिन इसने बाकायदा तौर पर उनसे शर्त रखी कि मैं ऐसे बंदे से शादी करूँगी जो मेरी बहन और मेरे बाप को भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जाते जाते यही कहूँगी कि इसके आंसू, इसकी प्रॉब्लम, इस बच्ची की जो सोच है उसका साथ दीजिए, दिए गए नंबर्स पे रابطہ कीजिए, और ये अजर अजीम है, बहुत बड़ा अजर है किसी की बेटी को उसके घर तक बिहाना, उसके जहेज का बंदोबस्त करना, किसी भूखे बच्चे के दूध का इंतज़ाम करना, किसी गरीब का राशन डालना, ये आप सोच ही नहीं सकते कि इतना बड़ा अजर अजीम है। इस बच्ची की शादी के लिए आप इसका सहारा ज़रूर बनिए, दिए गए नंबर्स पे रابطہ कीजिए। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, फ़ी अमानिल्लाह।